फटाक यानी 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 1994 में सुष्मिता सेन देश की पहली महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज पहना। अपनी करिश्माई पर्सनालिटी, बिना शादी के दो बेटियों को गोद लेने का फैसला हो या फिर समाज सेवा का काम, 27 सालों से सुष्मिता सेन अपने फैंस के दिलों में राज कर रही हैं। करीब 3 दशक लंबे करियर में सुष्मिता के करीब 11 रिलेशनशिप रहे। कभी बिजनेसमैन अनिल अंबानी, क्रिकेटर वसीम अकरम या फिर एक्टर रणदीप हुडा, सुष्मिता का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा। हालांकि सुष्मिता सेन की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने कभी अपना कोई भी रिलेशनशिप छिपाया नहीं। एक बार फिर से सुष्मिता अपने ब्रेकअप की वजह से चर्चा में है। रोमन शॉल के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में रही सुष्मिता ने 23 दिसंबर को पोस्ट के जरिए फैंस को अपने ब्रेकअप के बारे में बताया, जहां उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप कब का खत्म हो गया, बस प्यार अभी भी बाकी है। हालांकि सुष्मिता ने 22 दिसंबर को एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था कि जब आप किसी से प्यार करो तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती और स्टेटस के लिए मत करो, उस शख्स के कैरेक्टर, वैल्यू और आदर्श के लिए भी प्यार करो। बहरहाल ये तो सुष्मिता और रोमान की लव स्टोरी के एंड की बात हुई, लेकिन सुष्मिता का इससे पहले भी 10 बार दिल टूट चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन अनिल अंबानी और सुष्मिता सेन के कथित रिलेशनशिप की। सुष्मिता सेन 1994 में जब मिस यूनिवर्स बनी तो कई समारोह और इवेंट्स का हिस्सा बन रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात बिजनेसमैन अनिल अंबानी से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी को सुष्मिता से देखते ही प्यार हो गया। अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी है। यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने सुष्मिता को 22 कैरेट डायमंड की रिंग दी थी। कई बार तो सुष्मिता पर आरोप लगे कि उनकी बेटी रिनी सेन उनकी गोद ली हुई नहीं बल्कि बायोलॉजिकल बेटी है। बहरहाल दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और इस खबर की पुष्टि भी कभी नहीं हो पाई। विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन का रिश्ता। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता का नाम ऑफिशियली सबसे पहले फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। विक्रम शादीशुदा थे, इसलिए सुष्मिता के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चर्चा में रहा। सुष्मिता और विक्रम फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। विक्रम इस फिल्म के डायरेक्टर थे जबकि सुष्मिता इसकी एक्ट्रेस थी। कुछ समय के रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। विक्रम अपनी पत्नी संग चीट को लेकर कई बार अफसोस जता चुके हैं। रणदीप हुडा और सुष्मिता सेन। रणदीप हुडा भी कभी सुष्मिता के साथ अपने अफेयर के चलते सुर्खियों में रहे थे। दोनों फिल्म कर्मा, कन्फेशन और होली में साथ काम करने के दौरान करीब आए थे। अक्सर हाथों में हाथ डाले दिखाई देते थे, लेकिन फिर जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्रिकेटर वसीम अकरम और सुष्मिता। सुष्मिता के 2013 के दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ अफेयर की खबरें भी काफी सुर्खियों में थी। कहा तो ये भी जाता था कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन सुष्मिता ने इन खबरों को निराधार करार दिया था। ऋतिक भसीन और सुष्मिता सेन। 2015 के आसपास सुष्मिता मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन के साथ अफेयर के चलते सुर्खियों में आई। दोनों को कई बार पब्लिक आउटिंग में एक साथ देखा जाता था, लेकिन 2017 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुदस्सर अजीज और सुष्मिता सेन। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज भी उन लोगों में से एक थे जिनका नाम सुष्मिता के साथ अफेयर के लिए रहा। सुष्मिता ने मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दूल्हा मिल गया में काम किया, जो कि फ्लॉप रही। मुदस्सर की डेटिंग की खबरों ने जब जोर पकड़ा तो वो काफी नए थे और सुष्मिता के साथ नाम जुड़ने से उनका परिवार काफी नाराज हुआ, जिसके बाद सुष्मिता से उनका ब्रेकअप हो गया। इसके अलावा सुष्मिता का नाम सोनाक्षी सिन्हा के करंट बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के साथ जुड़ा। इसके अलावा संजय नारंग, अमेरिकन बिजनेसमैन समीर भाटिया, फिल्म मेकर मानव मेनन के साथ भी सुष्मिता का नाम जुड़ा। एक बार फिर से सुष्मिता का दिल टूटा है, लेकिन हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जहां उन्होंने लिखा, शांति खूबसूरत होती है।